गोपालगंज के बंजारी में 11 जनवरी को दिन दहाड़े ताइद सुजीत कुशवाहा हत्याकांड को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज एसपी ने पीसी कर बताया कि भूमि विवाद और पूर्व के एक हत्याकांड को लेकर गवाही के मामले में सुजीत कुशवाहा की हत्या की गई, जिसका मास्टरमाइंड योगेंद्र पंडित अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है और षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मुकेश कुशवाहा और भूषण कुशवाहा दोनों बंजारी के ही रहने वाले हैं। इनमें मुकेश कुशवाहा पटना हाईकोर्ट में वकील भी हैं और उसने ही सीटू उर्फ नवाब के साथ मिलकर गोली मारी थी। 11 तारीख को ताइद सुजीत कुशवाहा की हत्या अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में किया गया था और एसआईटी ने मानवीय अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए घटना में जो शामिल 3 अपराधी हैं तीनों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों अपराधियों में जो 2 शार्प शूटर्स हैं उन दोनों शार्प शूटर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शार्प शूटर्स के पास से 2 देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको और जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ था उसको भी बरामद किया गया है और इस घटना में जो शामिल और भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी